everyone and good evening. Welcome back to the Byju's exam prep and myself Toshiba Shukla, your paper 1 faculty for UGC NET JRF, right? So, jaldi se aa jaiye. Let me know that you are here and let me know whether the voice, video, PPT, everything is fine. Aapko acche se dikh raha hai, PPT bhi dikh raha hai aur awaaz aa rahi hai. Right? So, I can see hi Vikas, hi Noor, hi Lyrical World, Rahul, Priyanka, Poonam, राहुल जयदेव मोमिता जिया खान एवरीवन. सो दिस विल बी अ वेरी क्विक सेशन. ये एक 10 मिनट भी हो सकता है, 12 से 15 मिनट भी हो सकता है. छोटा सा सेशन रहेगा जिसमें विल बी डिस्कसिंग व्हाट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. आईसीटी का एक टॉपिक है, आपसे एक जनरल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत बेसिक है कि कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैम मेरे पास डेल का है, मेरे पास एचपी का है, मैम आई हैव मैकबुक. नो, इट डिपेंड्स कि कंप्यूटर किस फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, उसका टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है, क्या वो सिग्नल्स के फॉर्म में बिट्स डिजिटल सिग्नल ले रहा है कि एनालॉग ले रहा है. All these things we will be discussing. So I hope you all are here. Yes, yes. Let's quickly start. So types of computer for UGC NET 2021. My classes on YouTube, you know, are on Monday, Wednesday, Friday, 12. But next month se, parson se, Tuesday or Thursday ho jayegi. Like, share or subscribe kar dijiyega. तो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, यू नो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. हमने बहुत बार बहुत अच्छे से पढ़ा है आईसीटी में. एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटिंग करता है. हम उसको इनपुट देते हैं एंड वो हमें प्रोसेस करके डेटा को आउटपुट देता है. राइट, सो दिस इज़ व्हाट द वर्क ऑफ कंप्यूटर इज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. बट वी कैन क्लासिफाई द कंप्यूटर किस लेवल पे कौन सा काम कर रहा है, क्या इनपुट प्रोसेस है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, साइज़ क्या है. इफ़ आई डिवाइड कंप्यूटर, आई कैन डिवाइड इट इनटू टू वेज. दो तरीकों से मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ. पहला है टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग या टाइप्स ऑफ ऑपरेशन. फाइन. दूसरा है साइज ऑफ ऑपरेशन, किस स्तर पे वो काम कर रहा है. मेरे पास एक छोटा सा आईपैड है, वो भी कंप्यूटर है. मेरी डेस्क पे एक छोटा सा पर्सनल कंप्यूटर पीसी है, वो भी कंप्यूटर है. इफ़ आई एम वर्किंग फॉर अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मैं थीसिस रिसर्च कर रही हूँ और मैं सुपर कंप्यूटर्स पे काम कर रही हूँ, वो भी कंप्यूटर है. इफ़ आई एम वर्किंग इन अ एयरपोर्ट और अ रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भी जो कंप्यूटर है वो भी एक कंप्यूटर है. तो कंप्यूटर का साइज़ क्या है, कितने बड़े लेवल पे वो काम करता है, एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, क्या उस ऑपरेशन कंप्यूटर किस फॉर्म में इनपुट लेता है और किस फॉर्म में आउटपुट लेता है. जो फर्स्ट तरीका है उसमें तीन टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं. वी हैव 3 types ऑफ कंप्यूटर. सेकेंड में वी हैव अराउंड 5 types ऑफ कंप्यूटर. सो इन टोटल यू हैव 8 types ऑफ कंप्यूटर. कितने होते हैं? 8 type, राइट? हाँ जी, जल्दी से आ जाइए. बिल्कुल, मोबाइल भी सारी चीज़ें कंप्यूटर है ना. आपके हैंड हेल्ड डिवाइस भी कंप्यूटर है. अगर आप कुछ बहुत साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो भी एक कंप्यूटर से कर रहे हो. सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन कैटेगराइज बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग, किस प्रकार का डेटा हैंडल कर रहा है और उसका साइज़ क्या है. डेटा हैंडलिंग के हिसाब से 3 प्रकार का कंप्यूटर होता है. एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, एक होता है हाइब्रिड. One is analog, another is digital, third is hybrid. एक एक करके समझते हैं क्या होता है. Analog computer एक बहुत simple computer है जो input लेता है. आपको पता है computer input लेता है output देने के लिए. Analog computer takes input in the form of signals. Analog signals. तो किसके फॉर्म में लेते हैं? Analog signal के फॉर्म में. ये continuous signals होते हैं, continuous. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर. आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी पे स्पीडोमीटर होता है जो आपकी स्पीड बताता है. थर्मामीटर से आप टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रकार के एनालॉग सिग्नल पे काम करता है. कंटिन्यूस रेंज, सो सिग्नल्स आर कंटिन्यूस, एक्यूरेसी थोड़ी इसकी कम हो सकती है. तो ये होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर. ठीक है, Are you guys getting? Very important. Then you have digital computer. दूसरा प्रकार का जो computer है वो होता है digital computer. What exactly is a digital computer all about? ये जो signals लेता है input, it is form of the digital signals. मतलब ये
कंटिन्यूशन में नहीं लेता, द इनपुट इज एक्चुअली डिजिटाइज लाइक दिस. तो ये जीरो या वन के फॉर्म में आपका इनपुट लेता है. जो भी कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर, द लैपटॉप यू आर यूजिंग, आई एम यूजिंग, माई पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, ये सब डिजिटल हैं क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल्स पे काम कर रहे हैं. कंप्यूटर जीरो और वन के फॉर्म में इनपुट लेता है. गेटिंग माई पॉइंट ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग वॉट इज डिजिटल एंड एनालॉग. तीसरा जो वेराइटी होती है वो होती है हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड आपने सुना होगा, हाइब्रिड सीड्स होते हैं, सब्जियां होती हैं जो मिक्सचर होती हैं, हम बोलते हैं ना ये देसी और विदेशी ब्रीड का हाइब्रिड है. हाइब्रिड कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर्स दैट हैव बोथ एनालॉग एज वेल डिजिटल कंप्यूटर, दोनों होते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है ECG मशीन. फ्लाइट में जो रडार सिस्टम होते हैं, रोबोटिक्स में, सो देर आर मैनी इंस्टेंसेज जहाँ पे हम बोथ, वी यूज बोथ ऑफ देम. सो हाइब्रिड में आपके पास डिजिटल भी है, आपके पास एनालॉग भी है, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है. सेकेंड कैटेगरी जो कंप्यूटर्स को जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द साइज, कितना बड़ा साइज है. तो एक फर्स्ट जो हम डिवाइड करते हैं वो है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आपने सुना होगा, इफ आई शो यू वॉट इज अ सुपर कंप्यूटर, दिस इज अ सुपर कंप्यूटर. दीज आर वेरी एडवांस लेवल कंप्यूटर्स, ठीक है. इनको हम एक बहुत ही एडवांस लेवल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, बिग डेटा, समथिंग रिगार्डिंग योर कैलकुलेशन, प्रिडिक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ यू नो नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर, समथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियर टेस्टिंग, अगर किसी देश ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी है. तो इतने हाई एफिशिएंसी वाले ये कंप्यूटर्स होते हैं, दे कैन एक्चुअली सेंस इट. सो दीज आर सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर्स का जो ऑपरेशन होते हैं, दैट इज डन इन फ्लॉप्स. वॉट इज फ्लॉप्स? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड. जितना अभी रिसेंट सुपर कंप्यूटर है, एज इन द हाइएस्ट, द मोस्ट एडवांस्ड, इट इज़ वर्किंग ऑन पेटाफ्लॉप्स. राइट नाउ इट इज़ वर्किंग ऑन पेटाफ्लॉप्स. सो यू हैव के फ्लॉप्स, एम फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, यू हैव टेरा फ्लॉप्स, यू हैव पेटा फ्लॉप्स एंड यू हैव एग्जा फ्लॉप्स. सो दिस इज वॉट इज एग्जा फ्लॉप्स. दिस इज 10^18. 10^18 में हम इसकी स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है. हाँ, आ रहा है समझ में? तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, हमारे बस की नहीं है, हम यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि इतना महंगा कंप्यूटर तो खरीदेंगे नहीं. इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के पास सुपर कंप्यूटर है. पहला सुपर कंप्यूटर 1976-79 में बना था, जिसका नाम था क्रे सुपर कंप्यूटर. इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम. सो वी हैव परम शिवाय, वी हैव क्रे, वी हैव क्लस्टर, वी हैव सागा, वी हैव एका, ठीक है. सो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हमारे इंडिया में भी हैं. राइट हाँ जी. सो अगर आप, इफ आई आस्क यू गाइज, इफ यू आर देयर इन द क्लास, प्लीज फोकस ऑन द क्लास, ठीक है. इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू ईच अदर, यू कैन टॉक लेटर. अगर अभी क्लास में है तो पूरा ध्यान क्लास में लगाइए, ठीक है. क्लियर है यस. सो द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर राइट नाउ इन द वर्ल्ड इज विथ जापान. जापान ने बनाया है, इसका नाम है फुगाकू. तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय राइकेन एंड फुजित्सु. सो ये न्यू मेंबर है और ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ. इसका प्रेडिसेसर था के कंप्यूटर से आया था, बट अब इट इज़ फुगाकू. ये स्पीड कितनी है इसकी? 415.5 पेटाफ्लॉप्स. तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है. यस. सेकेंड इज समिट. जो दूसरा सुपर कंप्यूटर है, जो कि स्पीड के टर्म्स में, एफिशिएंसी के टर्म्स में सेकेंड रैंक करता है जापान के बाद, दैट इज समिट. समिट इज बाय USA. तो USA ने, यू कैन सी ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी का समिट पहला सुपर कंप्यूटर, तो उन्होंने बोला था कि फर्स्ट स्पॉट है, बट नो, इट हैज स्लिप टू सेकेंड स्पॉट. थर्ड सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है सियरा. सियरा भी US का है. Sierra is also US developed it and it is having a speed of 71.6 petaflops. फिर है सनवे टियाहू लाइट.
सो ये सनवे वाले जो कंप्यूटर्स हैं ये चाइना के होते हैं, ठीक है। तो सनवे से अगर आपको कभी भी एग्जामिनेशन में पूछें तो सनवे इज़ अ सुपर कंप्यूटर फ्रॉम चाइना। कितना है? 93.01 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। एनी डाउट? एनी डाउट? सो सुपर कंप्यूटर्स आर दीज लार्ज कंप्यूटर्स जो बहुत ही हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस में यूज होते हैं, दीज आर मोस्ट एक्सपेंसिव। देन यू हैव मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेकेंड कैटेगरी जो है साइज के हिसाब से वो है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या होता है? इसमें भी दीज आर बिग ह्यूज कंप्यूटर्स, ये ऐसे होते हैं। इसका जो कैपेसिटी है ये भी MIPS में होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इट इज़ ऑल्सो इन मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। बट दीज कंप्यूटर्स दीज आर नॉट एज एडवांस एंड एक्सपेंसिव एज सुपर कंप्यूटर, बट ये भी आपके घरों में नहीं होते। आपने देखा आपके घरों में मेन फ्रेम है, आप बगल वाले रूम में जा रहे हो मेन फ्रेम कंप्यूटर है? नहीं, ये ऐसी एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं जैसे कि रेलवेज हो गया, ठीक है, जैसे कि फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया। सो मेन फ्रेम इट्स ऑल्सो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन सुपर कंप्यूटर्स, बट दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दीज आर स्टिल एक्सपेंसिव देन आर मेन कंप्यूटर्स। फिर होते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मतलब छोटे से होते हैं, जैसे कि मिनी के बाद अगर मैं एक और बात करूँ तो एक और कंप्यूटर्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कैसे होते हैं? आपने कई बार देखा होगा कोई टेबल पे बैठ के, प्रोबेबली फ्यू पीपल आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क रिसर्च, और ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा होगा, राइट? सो इट इज़ डिज़ाइन फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। इसका माइक्रो प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग होता है, फास्ट होता है, रैम भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे होते हैं। फाइन, सो यू मस्ट बी नोइंग मेन फ्रेम या जो आपके वर्क स्टेशन हैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। मल्टीपल प्रोसेसर कोर, ECC रैम, रेड। रेड क्या है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसमें भी मेन फ्रेम आते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपके काम आ सकते हैं। वॉट इज रेड? SSD क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये हार्ड डिस्क के रिप्लेसमेंट में यूज़ होती है क्योंकि कम आवाज़ करती है, इसके कम मूविंग पार्ट्स होते हैं एंड ऑप्टिमाइज एंड हायर एंड GPU। सो ये फीचर्स हैं किसके? वर्क स्टेशन के। देन यू हैव मिनी कंप्यूटर। हाँ, मिनी कंप्यूटर मतलब जैसे आपके बहुत ही सस्ते कंप्यूटर होते हैं जो आपके बिजनेस, पर्सनल यूज, कॉलेजेस में होते हैं। क्लियर? देन यू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर जो आपके घर में, आई मीन इट इज़ नॉट इवन यूज फॉर द पर्पजेज ऑफ एजुकेशन और समथिंग, इट इज़ जस्ट सिंपल कंप्यूटर डैट यू आर यूजिंग। लास्ट होते हैं पांचवे, नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक्स। सो नोटबुक्स आपने देखा होगा इनका डिस्प्ले भी इंफीरियर क्वालिटी का होता है, ये 6 पाउंड से कम वे करते हैं एंड इनका जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन का वो VGA होता है, VGA। फाइन, सो दैट इज़ अ वेरी लेस क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द स्क्रीन कैपेसिटी एंड केपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर? क्लियर? येस। सो दीज वर द कंप्यूटर्स। कुल मिला के हमने कितने पढ़े? कुल मिला के वी स्टडीड 8 कंप्यूटर्स। इनको दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, एक इनका ऑपरेशन के हिसाब से किस यूज़ में आ रहे हैं, दूसरा इनके साइज़ के हिसाब से। ऑपरेशन के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल और क्या है? योर हाइब्रिड। ये वाले क्या है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, ठीक है, यू हैव वर्क स्टेशन एंड ऑल्सो यू हैव नोटबुक्स। सो ये कंप्यूटर का ब्रॉड डिविजन है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ मेक नोट ऑफ इट एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच। इट वॉज अ स्मॉल सेशन ऑफ दीज स्मॉल बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन केस यू आर नॉट एबल टू कैच लाइव, डू वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो बिकॉज दीज कंप्यूटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। और फुगाकू याद रखिएगा, वी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जापान की तरफ से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। येस, इट इज़ अ प्लेजर टू सी यू अगैन ट्वाइस इन अ डे। हम फिर से आएंगे कल भी किसी शॉर्ट वीडियो के साथ एंड ऑफकोर्स संडे ऑल्सो वील बी हैविंग अ सेशन फॉर यू। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप स्टार्टिंग, कीप